चाहेंगे। देखिए, नेताजी ने दबे कुचले पिछड़ों के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया और उनको हमें जागरण पैदा करके उन सरकारों को जो इनके खिलाफ दुर्व्यवहार करती थी, इनके विकास की बात नहीं करती थी, उनको सरकार से बाहर करके अपनी सरकार बनाई और फिर गरीबों के उत्थान की बात की और साथ ही साथ दबे पिछड़े लोगों के को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम संभव रखते थे। अगड़ा पिछड़ा सबको साथ लेके चलते। मैं अगड़ी जाति का था, मैं भी उनके साथ था, पिछड़ी जाति के लोग थे वो भी उनके साथ थे। उनको सभी सम्मान्य नेता मानते थे, हम लोग सब सम्मान्य नेता मानते। आज आप सैफई पहुंचे हैं तो आपको नेता विरोधी दल के तौर पर पहली बार यहां पर आना हुआ है, क्या लगता है कि प्रदेश की जो सरकार चल रही है उसमें कितनी खामियां हैं जिसकी जरूरत है आवाज उठाने की? कोई कुछ है, सब खामियां हैं। वो जनता के हित की काम नहीं करते, बड़े पूंजीपतियों के लिए, बड़े लोगों के लिए काम करते। अभी ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये ऐसा कानून लाए हैं, वो गरीब आदमी जो नजूल की जमीन पर बना है उसको लेके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। आपके जो बड़े बड़े ये मिले थी या जहां नहीं चल रही हैं, उन सारी जमीनों को बड़े पूंजीपतियों को देकर उनका बिल्डिंग बनवाना या उनके उद्योग लगाने की बात करते हैं। ये गरीबों की हित ऐसी नहीं है, कमजोर के हित ऐसी नहीं है, पिछड़ों के हित ऐसी नहीं है, दलितों के भी हित ऐसी नहीं है। बस कल उन्होंने एक चार ठगों की कहानी सदन में सुनाई और वो सभी लोगों ने सुनी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसकी प्रतिक्रिया उतनी जोर से नहीं की। देखिए, वो दिन भर ही सब करते रहते हैं। उन्होंने ठगों की का इस बताया था कि इससे हम ठगी नहीं जाएंगे, हम फिर से लौट आएंगे, लेकिन वो संभव नहीं। 27 में क्या स्थिति होने? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।